हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा चेन हैंड के टच ड्यूल ब्रश मार्कर्स के बारे में। तो मेरे पास ग्रे सेट वाला पैकेज, ग्रे शेड्स वाला, इसमें 6 मार्कर्स हैं। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में मिल जाते हैं, स्किन टोन में मिल जाते हैं, और भी अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, सभी चाहिए, तो आपको हर शेड्स में आपको ये मिल जाएंगे। तो मेरे पास तो यही वाले हैं। अगर फ्यूचर में कभी स्किन टोन वाले या फिर और शेड्स में होंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने आज तक कभी भी मार्कर्स को यूज़ नहीं किया है किसी भी 3D ड्राइंग में या फिर किसी भी स्केच में, तो आज पहली बार मैं इनको यूज़ करूंगा और देखूंगा किस तरह से यूज़ हो पाते हैं। तो लेट्स सी। सो गाइस, कुछ इस तरह का बॉक्स है इसका। तो ये आपको हर शेड में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसके पीछे सारे शेड्स हैं। ये मेरे पास ओनली ग्रे वाला है। इसमें ओनली 6 मार्कर्स हैं जो कि ग्रे शेड्स में हैं, और इनका प्राइस है 1700। आई नो काफ़ी ज़्यादा है, बट ब्रांड काफ़ी बढ़िया है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इनकी। सो ये हैं 6 मार्कर्स जो कि हैं ग्रे शेड्स में, लाइट टू डार्क की तरफ। इसमें एक ब्लैक भी है, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो और ये अल्कोहल बेस्ड मार्कर हैं, तो मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ। सो एक साइड है ब्रश, तो यहाँ पे है ब्रश, तो देख लो कुछ इस तरह का है। ये लाइट वाला दिखाया मैंने आपको, तो यहाँ पे ब्रश है। और दूसरी साइड है मीडियम ब्रॉड लिखा हुआ है, मीडियम ब्रॉड बोलते हैं इसको, तो कुछ इस तरह का है और अल्कोहल बेस्ड है ये। सो चलिए अब इनको यूज़ करके देखते हैं। सो लाइट से डार्क की तरफ मैं इनको शेड करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये सबसे पहले मैं लाइट वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं किस तरह से शेड हो पाता है। तो सबसे लाइट वाला ये है, देखो काफ़ी लाइट है। तो इसको हम ग्रेफाइट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट स्केचेस ड्रॉ करने हैं या फिर 3D ड्राइंग्स बनानी है, तो उनमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं ग्रे शेड्स को। सो एक एक करके अब सभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, और लास्ट है ब्लैक, सबसे ब्लैक। तो ये कुछ इस तरह का इनका रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप इनसे शेडिंग करोगे। तो ग्रेफाइट के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट लेयर मार्कर से करनी है, क्योंकि इससे ग्रेफाइट से आपको ऐसा टेक्सचर नहीं मिलेगा इतनी जल्दी जैसा आपको मार्कर में मिल रहा है। तो अगर आपको कोई 3D ड्राइंग बनानी है या फिर इस तरह का टेक्सचर बनाना है कहीं भी किसी भी ड्राइंग में, तो आप पहले मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं। एंड कलर पेंसिल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। कलर पेंसिल के साथ तो बहुत यूज़ होते हैं मिक्स मीडिया में, क्योंकि 3D ड्राइंग्स में आपको कलर पेंसिल्स का बहुत यूज़ करना पड़ता है, या फिर आपको पोर्ट्रेट बनाना है। तो अगर आपको कलर में बनाना है तो आपको सभी शेड्स में, मेरे पास तो ओनली ग्रे हैं, तो ग्रे के ऊपर तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर आप ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर पाओगे इनको। चारकोल पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं वाइट चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। वाइट पेंसिल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप किसी भी मीडियम में इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए मिक्स मीडिया। सो मैं एक पोर्ट्रेट ड्रॉ के देखता हूँ कि 3D ड्रॉ हो पाता है या नहीं हो पाता है इनका यूज़ करके। सो ये मैंने एक बेसिक सा शेप बनाया, तो इसमें लाइट टू डार्क शेड करके देखते हैं किस तरह से 3D अफेक्ट आता है। 3D ड्राइंग्स के लिए तो ये बेस्ट हैं, अगर आप कोई भी मेटल ड्रॉ करते हो या प्लास्टिक वगैरह, तो कुछ भी ड्रॉ करते हो, तो काफ़ी अच्छे से आप इनका यूज़ करके फर्स्ट लेयर ऑप्ट कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड लेयर ऑप्ट कर सकते हैं, हाइलाइट्स वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी कम टाइम में आप ड्रॉ कर पाएंगे काफ़ी रियलिस्टिक, जैसे कि मैं लाइट टू डार्क शेड कर रहा हूँ। अल्कोहल बेस्ड हैं तो ये उसी टाइम सूख भी जाते हैं, अगर आपने एक दो बार शेडिंग कर दी ऊपर से, ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, तो वो सूख जाता है और काफ़ी यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग हो पाती है, जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं। सो इसमें मैंने शेडिंग लाइट टू डार्क की है, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया था शेड करके लाइट टू डार्क, वैसे ही मैंने इसमें किया। पहले लाइट यूज़ किया, उसके बाद उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, तो उसके बाद मैंने ब्लैक का भी यूज़ किया इसमें लास्ट में। सो गाइस, कुछ इस तरह का ड्रॉ हो पाया। फेस काफ़ी ज़्यादा 3D लग रहा है। अगर आपको नॉलेज है किस तरह से आप 3D इफेक्ट ला सकते हैं, लाइट टू डार्क शेडिंग कर सकते हैं, कहाँ पे शेडो डालनी है, अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप काफ़ी अच्छे से इनका यूज़ करके फेस को भी ड्रॉ कर पाएंगे। सो गाइस, ये हैं सिन हैंड के टच मार्कर्स जो कि ग्रे शेड्स में मेरे पास। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगे, काफ़ी अच्छे से हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्ट्रेट्स में या फिर 3D ड्राइंग्स में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ड्रॉ करके। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये देख लो, ये मतलब 3D लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आई थिंक अगर आपको मेटल जैसे होते हैं 3D ड्राइंग्स होते हैं, जैसे कि 3D ड्राइंग्स होती हैं, तो उनको बनाने के लिए आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये, या फिर अगर आपको कलर्स में काम करना है तो, और आपको शेड्स में मिल जाते हैं तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी जो आर्टिस्ट हैं जो कि आप YouTube पे देखते होंगे जो 3D ड्राइंग्स बनाते हैं, तो वो इनका यूज़ कर सकते हैं। कॉपिक मार्कर भी होते हैं वैसे, काफ़ी लोग बोलते हैं कॉपिक मार्कर बाय करो, तो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो मैं इतने बाय नहीं करता हूँ। मेरे पास ये ग्रे शेड्स के हैं, और अगर फ्यूचर में कभी अगर मैं लूँगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसे और मटेरियल पे आपके रिव्यू बनाता रहूँगा। सो विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।